नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुपर सिक्स, मैं हूं अपर्णा मौजम। आज सुपर सिक्स में बात खर्राटों की। क्या आपको पता है कि खर्राटे लोगों को मालामाल बना सकते हैं, खर्राटों से कमाई हो सकती है। कहां खर्राटों पर मिल रहे हैं रुपए आपको बताएंगे। जबलपुर की बेरहम बहू भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे बहू ने बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई की और घर से निकाल दिया। कहीं नदी से रेस्क्यू किया गया और कहां फ्रिज में आए बाबा बर्फानी, ये भी आपको बताएंगे। स्टंटबाजी किसे पड़ी भारी और बताएंगे कहां यात्रियों को छोड़कर उड़ गई फ्लाइट। तो खर्राटों से पूरी दुनिया परेशान है, लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन अब नहीं, खर्राटे अब कमाई का जरिया बनेंगे। खर्राटों की वजह से लोग मालामाल होंगे। आखिर खर्राटों को कहां मिल रहा है इतना सम्मान और कौन खर्राटों के लिए दे रहा है रुपए, जानते हैं। खर्राटों से ऐश, अब मिलेगा कैश, नहीं है कोई टेंशन, मिलेगा खर्राटा पेंशन। खर्राटों के शोर से पूरी दुनिया परेशान है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के करीब आधे लोग खर्राटे लेते हैं। खर्राटों पर आम तौर पर लोगों को ताने मिलते हैं, लेकिन अब खर्राटे कमाई का जरिया बनेंगे। खर्राटे लेने पर आपको रुपए मिलेंगे। खर्राटों से कमाई कैसे हो सकती है, शायद आपको ये सुनकर अटपटा लगे, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां आपको खर्राटे की बीमारी हो तो हर महीने 78,000 रुपए मिल सकते हैं। ये सुविधा ब्रिटेन में उन लोगों को दी जा रही है जिन्हें खर्राटे की दिक्कत है। ब्रिटेन में लोगों को PIP योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है जो टैक्स फ्री है। इस योजना के तहत उन लोगों को मदद मिलती है जिन्हें खर्राटे की गंभीर परेशानी है, यानी अब खर्राटे ब्रिटेन के लोगों को माला माल करेंगे। खर्राटों को अक्सर एक छोटी सी परेशानी समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन स्लीप एपनिया ये लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 57% पुरुष और 40% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 43% लोग कभी कभार और 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं। दुनिया के लिए खर्राटे एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। तलाक की तीसरी बड़ी वजह भी खर्राटों को माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग खर्राटे क्यों लेते हैं। स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा थकान होना, पीठ के बल सोने की आदत या फिर नींद की गोलियां, इनके अलावा खर्राटे की और भी कई वजह हो सकती है। खर्राटे को अगर एक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में देखें तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। खर्राटे दूर करने के कई उपाय हैं। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटों पर कंट्रोल कैसे करें, वजन कम करके खर्राटों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। धूम्रपान करते हैं तो वो बंद कर सकते हैं। शराब पीना कम करना होगा। नींद के दौरान स्लीपिंग पोजीशन चेंज करके भी खर्राटों पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही CPAP मशीन का इस्तेमाल करने से भी खर्राटे कंट्रोल में आते हैं। तो आपने जाना कि कैसे खर्राटों ने दुनिया भर को परेशान कर रखा है। खर्राटों से छुटकारा पाने के उपाय भी हैं। बात अगर ब्रिटेन की करें तो यहाँ खर्राटे लेने वालों की मौज है। लोग खर्राटों से कमाई कर रहे हैं। खर्राटे लेने पर लोगों को पाउंड मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। अब आपको दिखाते हैं सन्न कर देने वाली तस्वीरें। माँ बाप कितने प्यार से बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन यही बच्चे बड़े होकर उन माँ बाप पर अत्याचार करने लगते हैं। जबलपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक बेरहम बहू ने अपनी सास की पिटाई की और घर से निकाल दिया। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। एक बुजुर्ग बेबस महिला पर आखिर कोई कैसे इतना अत्याचार कर सकता है, बुजुर्ग के साथ कोई कैसे इतनी बेरहमी से मारपीट कर सकता है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी
कि बुजुर्ग की पिटाई करने वाली महिला कोई और नहीं इसकी अपनी बहू है। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, यहाँ पर बहू ने सास की बेरहमी से पिटाई की और उसे घर से निकाल दिया। बहू के जुल्म का वीडियो सामने आ चुका है जिसमें देखा जा रहा है कि बहू अपनी सास को चांटे मार रही है। कई लोग बुजुर्ग की मदद के लिए आगे आते हैं लेकिन बहू इतनी बेरहम है कि वो सास की लगातार पिटाई करती नजर आ रही है। बहू के जुल्म की ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। ये पहला मौका नहीं जब बहू ने इस तरह सास की पिटाई की हो। बताया जाता है कि बहू करुणा शुक्ला और बेटा गौतम विश्वकर्मा कई साल से महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, बुजुर्ग पर सितम ढा रहे हैं। बहू तो बहू, बेटा भी माँ की ममता को भूल चुका है। बेटे बहू ने बुजुर्ग की पिटाई करने के बाद उसे घर से भी निकाल दिया। बुजुर्ग ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। ये बताया कि बेटा और बहू उस पर कैसे जुल्म करते थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। एक बुजुर्ग महिला की इस तरह की शिकायत आई है। थाना प्रभारी मदन मोहन को निर्देशित किया है कि सबसे पहले वो अपने स्तर पर सुने। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एक आलंबन शाखा है, वहाँ पर भी बुलाकर इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और किसी भी तरह कोई भी परिवार किसी बुजुर्ग को तंग ना करे ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। कौन है जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? वो बेटे बहू पर ही आरोप लगा रहे हैं और इस मामले का निराकरण उसको सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि मां की देखभाल करना बेटे का कानूनी दायित्व है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था। कोरबा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के पति SECL में कर्मचारी थे जिनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे को अनुकंपा नियुक्ति मिली, लेकिन कुछ समय के बाद उसने अपनी माँ और छोटे भाई की देखभाल करना बंद कर दिया। पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेटे के वेतन से 10,000 रुपए माँ के खाते में देने का आदेश दिया था। ये नियम जबलपुर के बेरहम बेटे और बहू पर भी लागू होता है। मारपीट करना तो अपराध है ही, आखिर ये बुजुर्ग माँ को घर से कैसे निकाल सकते हैं? पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। खरगोन में नदी में नहाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। युवक नहाने के दौरान नदी में डूबने लगे। जान आफत में थी लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी। कुछ लोगों की नजर इन पर पड़ गई और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़े ही अनोखे तरीके से इन युवकों को बचाया गया। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग मानव श्रृंखला बनाकर तेज बहाव के बीच कुछ लोगों की जान बचाते दिखाई दिए। बताया गया कि वीडियो खरगोन के एक इलाके का है जहां कुछ लोग वेदा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान उसमें 3 लड़के नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दूसरे लोगों ने उन्हें बचाने के लिए एक बेहतरीन तरकीब निकाली और 7-8 लोगों ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाकर गहरे पानी से एक एक करके उन 3 लड़कों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये काम बेहद जोखिम भरा था लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और कुछ ही देर में वेदा नदी के तेज बहाव के बीच से डूब रहे उन 3 लड़कों को बाहर निकाल लिया। इस दौरान वेदा नदी के ऊपर बने पुल से कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उन लड़कों की मदद करने वाले लोगों की तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ ऐसा ही मामला आगरमालवा में आया है जहां एक फ्रिज में बर्फ से शिवलिंग की आकृति बन गई। घर के लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया, बाबा बर्फानी का रूप माना और पूजा पाठ शुरू कर दिया। कहते हैं मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। यहाँ देखिए फ्रीजर के अंदर हो रही है पूजा पाठ। इन भक्तों ने बर्फ को मान लिया है बाबा बर्फानी
और शुरू कर दी है पूजा अर्चना। यह अनोखी तस्वीर आगर मालवा की है। यहाँ रहता है बाल कृष्ण त्रिवेदी का परिवार। बात दरअसल यूं कि इनके घर के फ्रीजर में बर्फ से शिवलिंग की आकृति बन गई। इन्होंने इसे प्रभु का चमत्कार माना और पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। परिवार के लोग फ्रीजर के अंदर फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर जो है साक्षात जो हमने प्रतिमा देखी, उस प्रतिमा में हमने पाया है कि साक्षात शिवजी ने उनकी जो स्वरूप है उसी स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया है। और हम लोगों की काफी इच्छा थी और मेरी खुद इच्छा थी कि मैं अमरनाथ जाके दर्शन करूं, बट प्रभु ने ऐसा सौभाग्य ऐसा हमको चुना, ऐसा हमको पाया। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हम लोगों को प्रभु ने स्वयं ने आकर के घर में दर्शन दिए हैं। परिवार का दावा है कि अप्रैल के महीने में फ्रिज में छोटी सी शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दी थी और बाद में यह आकृति बढ़ती चली गई। परिवार का कहना है कि जिस तरह बाबा अमरनाथ की गुफा में नंदी और अन्य गण की आकृतियां निर्मित होती हैं, उसी तरह की आकृतियां उनके फ्रिज में बन रही हैं। कविता त्रिवेदी कहती हैं कि परिवार के सभी सदस्यों की भगवान के प्रति गहरी आस्था है और काफी समय से बाबा अमरनाथ के दर्शन वो करना चाहती थीं लेकिन जा न सकीं। लेकिन अब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और खुद दर्शन देने उनके घर चले आए। हमारे भी विचार बढ़ते गए कि भाई क्या है क्या है। हमने मोबाइल पे वगैरह पे सर्च करके देखा तो अभी जो समय चल रहा था वो इस समय पे बाबा बर्फानी का भी दर्शन का लाभ मिलता ही है भक्तों को। तो हमने उससे मिलान करा, हमें ऐसा लगा कि प्रभु हमको भी सेवा का मौका दिया है प्रभु ने। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये परिवार भी ये मान रहा है कि फ्रिज में ही बाबा बर्फानी आ गए हैं। इनके लिए ये चमत्कार है और ये पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। रजनीश सेठी, न्यूज 18, आगरमालवा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 18 यात्रियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन उनकी फ्लाइट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी थी। इसके बाद तो मुसाफिर इंडिगो स्टाफ से बहस करते हुए दिखाई दिए। बाद में किसी तरह सभी को वाराणसी भेजा गया। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं और जिस प्लेन पर आपको सवार होना है और वो आपके पहुंचने से पहले ही उड़ जाए तो फिर समझिए आपकी क्या हालत होगी। मुसाफिर अपना समय बचाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके फ्लाइट का टिकट लेता है लेकिन जब उसे खबर मिले कि प्लेन तो रवाना हो चुकी है तो उसका टेंशन में आना लाजमी है। लखनऊ एयरपोर्ट पर ऐसा ही वाकया सामने आया है। यहाँ मुसाफिर अपनी फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे लेकिन उन्हें पता चला कि उनका प्लेन तो टेक ऑफ कर चुका है। 18 यात्री लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही छूट गए। सभी यात्री इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट से वाराणसी जाने वाले थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके बाद तो यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया। इंडिगो स्टाफ से उनकी बहस होने लगी। स्टाफ उन्हें समझाता रहा लेकिन वो आक्रोश में थे। उन्होंने इंडिगो एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। घटना मंगलवार शाम की है। दरअसल इन सभी को कनेक्टिंग फ्लाइट से रवाना होना था। एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक दो फ्लाइट लखनऊ आ रही थी जिनमें एक फ्लाइट को देहरादून से आना था और जो दूसरी फ्लाइट थी उसे दिल्ली से लखनऊ आना था और ये फ्लाइट फिर वाराणसी जाने वाली थी। अब वो देहरादून से 18 यात्री लखनऊ के एयरपोर्ट पर आने वाले थे। उन्हें यही कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन देहरादून वाली फ्लाइट के आने में करीब एक घंटे की देरी हो गई और जो फ्लाइट दिल्ली से लखनऊ होते हुए वाराणसी जाने वाली थी वो पहुंच चुकी थी और अपने निर्धारित समय पर लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन जब देहरादून की फ्लाइट से 18 यात्री हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें पता चला कि प्लेन तो उड़ चुकी है। बस इसी बात से यात्री भड़क गए और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। सभी यात्री रिफंड की मांग करने लगे। हालांकि बाद में इंडिगो ने उन 18 यात्रियों में से कुछ को दूसरी फ्लाइट में भिजवाया। वहीं जिन्हें जल्दी थी उन्हें सड़क मार्ग से भिजवा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
सट्टेबाजी का शौक कई बार लोगों पर भारी पड़ जाता है, कई बार जान तक चली जाती है। यूपी में भी एक युवक ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था, लेकिन स्टंट के दौरान युवक की जान चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह तरह के खतरनाक स्टंट करते हैं। ऐसे स्टंट के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। अभी हाल में महाराष्ट्र में देखा गया कि एक लड़की गाड़ी के अंदर बैठ करके स्टंट कर रही थी। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के कारण लड़की खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। ठीक इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर में देखने को मिला है, जहां ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक ट्रैक्टर पर बैठ करके स्टंट कर रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने के एक ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर पर आ गया, जिससे एक युवक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। इस दौरान युवक के आसपास कई लोग मौजूद थे जो स्टंट का लुत्फ उठा रहे थे। वही यह वीडियो उत्तर प्रदेश सीतापुर के अटरिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह स्टंट प्रशासन के अनुमति के बगैर हुआ था। जानकारी के मुताबिक स्टंट के दौरान लालू नाम के युवक की मौत हो गई। आपने आइसक्रीम तो खूब खाई होगी, लेकिन क्या कभी 7 किलो की आइसक्रीम खाई है? बीकानेर में ये भारी भरकम आइसक्रीम बनाई गई। आखिर ये आइसक्रीम बनाई किसने है, जान लेते हैं। आपने आइसक्रीम और कुल्फी तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी 7 किलो वजन की आइसक्रीम खाई है? चौंकिए मत, ये कारनामा किया है बीकानेर के धर्मेंद्र अग्रवाल ने, जिसने पहली बार 7 किलो वजन की दो आइसक्रीम बनाई है, जो 2 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी है। 121 तरीके के पानी पूरी और दही बड़े बना करके लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके धर्मेंद्र अग्रवाल, जो हमेशा से कुछ हट करके काम करते हैं, इसलिए अब उन्होंने गर्मी को देखते हुए 7 किलो वजन की दो आइसक्रीम बनाई है, जिसमें एक खट्टी मीठी और दूसरी ऑरेंज फ्लेवर की है। तो मार्केट में जाते हैं, जब 10 रुपए की आइसक्रीम लेते हैं 20 के, मैंने भी सोचा इससे कोई बड़ी आइटम बनाऊं, तो मैंने 7 किलो की 7 किलो की दो आइसक्रीम बनाई है। एक तो बनाई है ऑरेंज खट्टी और एक बनाई है खट्टी मीठी। धर्मेंद्र का मानना है कि जिस प्रकार सर्दी में सर्दी के आइटम खाए जाते हैं, वैसे ही गर्मी में लोग ठंडी चीजों का ज्यादा उपयोग कर गर्मी से निजात पाए, इसलिए यह आइसक्रीम बनाई है। ऑनलाइन दिया दिल और 37,000 का आया बिल, तो आशिक के होश फाख्ता हो गए। इश्क तो मिला नहीं, उल्टे लात घूंसे मिले। ठगी के एक नए तरीके से जुड़ी कहानी है, जिसके बारे में सभी को पता होना जरूरी है। मामला गाजियाबाद का है, जहां डेटिंग ऐप पर एक लड़के को उसके सपनों की रानी मिलती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक बार में दोनों की मुलाकात का वायदा होता है, लेकिन बार में 2 बियर की कीमत उसे 15,000 रुपए देकर चुकानी पड़ती है। तब लड़के को एहसास होता है कि इश्क नहीं, हुस्न का जाल था जो आशिक को कंगाल बनाने के लिए बिछाया गया। ऑनलाइन दिया दिल, 37,000 बना बिल। दो बियर और आशिक बर्बाद। हुस्न का जाल और शराब को ढाल बनाकर लूट का नया ट्रेंड चल रहा है गाजियाबाद शहर में। यहाँ इश्क के नशे में डूबे आशिक को बियर के नशे में झूमना भारी पड़ गया। मोहब्बत तो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड डाउनलोड होकर सामने आई, बार में शाम रंगीन करने का प्लान बना। बर्बादी की स्क्रिप्ट उसी वक्त लिख दी गई और फंस गया बेचारा आशिक। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए युवक का युवती से मिलना बेहद भारी पड़ा। उसे महज 2 बियर 15,000 रुपए की पड़ी, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि पीड़ित युवक ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी है। इस कहानी की शुरुआत कुछ वक्त पहले होती है, जब मुरादाबाद के गौरव गर्लफ्रेंड की तलाश में ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं। उनकी कोशिश रंग लाती है
और ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर इश्क की शुरुआत होती है। फिर मुलाकात का दौर शुरू होता है, लेकिन जल्द ही लड़की अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है। और इसी जाल का एक हिस्सा था गौरव को गाजियाबाद के एक बार तक ले जाना। सुपर सिक्स फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए है।